श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकासोन्मुख है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सुन रहा था भारत के पूर्व वित्त मंत्री जी का 9 बजट उन्होंने प्रेजेंट किया इस हाउस में। मोरारजी देसाई जी के बाद उनका दूसरा नंबर है, लेकिन अंत में जो वो कह रहे थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो चर्चा कर रहे थे क्लास की और मास की। उनका कहना था कि जो संसाधन है वित्त में, जो पैसे हमारे हैं, वो जाने चाहिए मासेज के पास, क्लासेज के पास नहीं। तो क्लास और मास का तो समझ में आता है, क्योंकि खुद भी हार्वर्ड में पढ़े हैं तो क्लास है ना, कोई मास तो है नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी है। और देखिए, हम लोग तो JNU में पढ़े हैं, हमारी वित्त मंत्री जी भी पढ़ी हैं, तो हम लोग तो मास वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप बात कर रहे हैं क्लास की, और क्या कह रहे हैं आप कह रहे थे कि भाई किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए दिए। आप जरा समझिए, आपने तो 1 रुपया नहीं दिया था, तो कम से कम कहां पहुंचे हम लोग? 0 से 54,000 करोड़ पर पहुंचे हैं, और आगे और पहुंचेंगे। आप क्या कह रहे थे? कह रहे थे वापस नहीं रहिए ना आप। ये भी जरा जान लीजिए वो क्या कह रहे थे। बात कर रहे थे मास की, पूरा का पूरा ये हमारा जो SC और OBC का जो बजट है, जो इस बजट में दिया हुआ 85,000 करोड़, वो किस क्लास को जाएगा? हमारा जो ST है 53,600 करोड़, किस क्लास को जाएगा? वो मास नहीं है क्या? हमारा जो दिव्यांग है जिनको 9,000 करोड़ रुपए जाएंगे, वो क्या मास है कि क्लास है? पूरा का पूरा हमारा जो देख लीजिए एग्रीकल्चर का बजट 1.60 लाख करोड़ का, कहां जाएगा? और 1.23 लाख करोड़ जो ग्रामीण विकास का है वो कहां जाएगा जनाब? इतना ही नहीं, आपको चिंता किसकी है? चिंता है यहां गरीब के घर में नल का जल पहुंचे, और उसके लिए 3,60,000 करोड़ की व्यवस्था की आगे 5 साल में किसके घर में जाएगा? इसलिए मास और क्लास की बात मत करिए। ये सरकार है ही ग्रामीण इलाकों के लिए काम करने के। जरा आप देखिए इस चीज को। आपको सबसे पहले किसानों किस बात के धन्यवाद देना चाहिए जो आज तक आपने दिया नहीं? आपने पहली बार इस देश में हमारा जो पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है 311 मिलियन टन हुआ था, क्या किसने किया? उसी किसान ने किया। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिफिकेशन है हो रहा, और जो हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है, इससे फायदा क्या हुआ? न लोगों को सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि जो हमारे ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनका न्यूट्रिशन का लेवल भी बढ़ा है। पहले क्या होता था, वो रोटी खाते थे तो दाल नहीं, रोटी खाते थे तो सब्जी नहीं, और नॉन वेज का तो छोड़िए ही मत। लेकिन आज वो कह रहे थे, और अभी हमारे वर्मा जी भी बोल रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन 10% नीचे चला गया। वर्मा जी और पूर्व वित्त मंत्री जी चले गए, आप लोग तो नहीं जाते हैं। मैं गांव में ही रहता हूं, और मैं अपने गांव में देख रहा हूं कि पहले जितना लोग खर्च करते थे और खाते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं। मेरा गांव बिहार में है, कोई बाहर नहीं है। और आप कह रहे हैं क्लास और मास की, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए इस बजट में देखिए 35,600 करोड़ की व्यवस्था है, किसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा? पूरा का पूरा जो आप देखिए हमारा जो ये महिलाओं के लिए जो बजट है वो कहां जाएगा? इसलिए इस मानसिकता से हटिए। आप एक बात जरूर कह रहे थे, और इसलिए फिर मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आप कह रहे थे जिसको आप टैक्स टेररिज्म कह रहे थे, हम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, टैक्स टेररिज्म ये क्या है कि साहब लोगों की एक सोच है कि बहुत सारे जो सिविल कानून है उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गई, लोग घबराए हुए। तो आप बजट में पढ़िए, मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक पूरा का पूरा इस पर एक स्टडी किया जा रहा है कि जो कंपनीज लॉ है, जो और भी लॉज हैं,
उसको ठीक से एनालाइज किया जाए, जिससे कि लोगों के मन में किसी प्रकार का भय न रहे, वो अपना बिजनेस करें, व्यापार करें, लेकिन अब गलत काम करेंगे तो कहां जाएंगे? जगह तो एक ही जगह होती है। इसलिए इस सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं, और इसलिए भी वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार आपने एक और कानून की चर्चा किया, और खास करके हमारे जो महिला सशक्तिकरण के लिए, जो हमारी बच्चियों के मैरिज का जो एज है 18 वर्ष जो 1978 में हुआ, आज आप देखिए जिस प्रकार के अवसर मिले हैं। निश्चित रूप से जो MMR है उसको भी ठीक करना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल ठीक करना चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसमें भी एक टास्क फोर्स बनाने की कहा है, और उसकी रिपोर्ट आएगी कि हमारे जो हमारी बच्चियां हैं उनका जो हम जिस समय वो मतलब बच्चे जब शादी होती है उसके एज पर भी कोई विचार होना चाहिए, इसकी भी आपने कमेटी बनाई है, ये भी एक अच्छी सोच है। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और आज आप देख लीजिए, आप कहिएगा क्या है बजट में, बजट में सिर्फ और सिर्फ चर्चा किसकी है, तो ग्रामीण इलाके की। आप जरा सब जान रहे हैं, हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी कह रहे थे बिजली की खपत कम हो रही है। देखिए जनाब, मैं तो बिहार का हूं, बिहार में एक समय में, ईयर नहीं बोलूंगा खराब लगेगा कुछ लोगों को, मात्र जो था खपत 450 मेगावाट था, आज उसी बिहार में 5000 मेगावाट ज्यादा खपत है, बिजली कहां खपत नहीं हो रही। और बधाई मैं देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को, और बगल में रेल मंत्री जी भी बैठे हुए, ये बहुत अच्छी सोच है आप लोग कि जो हमारा पूरा का पूरा जो आज जो सौर ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, पूरी एनर्जी हमको सूरज से मिलनी है, जो हमारा टिकाऊ एनर्जी होगा रेलवे ट्रैक के किनारे, आप पूरा का पूरा जो आप इसको सोलर एनर्जी के लिए उसका यूज करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने किसानों को भी इसमें लाया है, और आपने क्या कहा कि किसानों के लिए जो फैलो लैंड है जिस पर वो खेती नहीं करते हैं उस पर भी हो सोलर प्लांट लेकर करके ऊर्जा दाता, अन्य दाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बनने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा वित्त मंत्री जी से कि बिहार में, खास करके हमारे नॉर्दर्न बिहार में बहुत सारे हमारे वाटर बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े बॉडीज हैं, और उस पर स्टडी भी हुआ है कि किस प्रकार वहां पर सोलर ऊर्जा का किया जाए, जिसमें कि नीचे मछली पालन भी हो जाए और हमारा मखाना का भी पालन हो जाए, उपजाऊ हो जाए, और ऊपर हम उसको जो है सोलर पावर कैसे उसको करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसको भी करने से निश्चित रूप से जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े। दूसरा एक और चीज के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत एक दो ही लाइन लिखा हुआ लेकिन उसमें बहुत छिपा हुआ, ये पूरा का पूरा जो इनलाइन वाटर, जो हमारा इनलाइन वाटरवे 1 है जिसमें हमारा बिहार आता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, उसके दोनों किनारे पर आपने, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी को, कि आपने अर्थ गंगा प्रोजेक्ट लाया है। ये साधारण सोच नहीं है, ये पूरा का पूरा जो हमारा इलाका है वर्जिन इलाका है, जिसके दोनों बैंक पर आगे चल कर करके इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सिर्फ इस पर ध्यान यही रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इस प्रकार की हो जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी ना हो, लेकिन आप समझिए इससे कितना ज्यादा विकास का अवसर प्राप्त हो। और मैं यहीं पर कहना चाहूंगा, बिहार में हमारी एनडीए की सरकार है, ये हम लोग घर घर जो जल पहुंचा रहे हैं, आप सब गया के बारे में जानते होंगे, राजगीर के बारे में भी जानते होंगे, दुर्भाग्य से उस इलाके में पानी की कमी रहती है। हमारे एनडीए की सरकार, जिसके नेता हमारे नीतीश बाबू हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार पहली बार बिहार में गंगा का जल गया पहुंचाने जा रही है, ये साधारण बात नहीं है। और ये सोच है, और उससे आप देखिए कि जब आप गया में जाएंगे, तो गया तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध को भी वहीं प्राप्त हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ सब लोग जाते हैं अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, तो वहां पर आपको गंगा का भी जल बन मिलेगा। ये देखिए हमारे एनडीए की सरकार बिहार में क्या करेगी और कितनी संभावनाएं बनती है। और एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो ये है कि आपने जो पूरा का पूरा, आज देखिए, आज टमाटर, अनियन जिसको प्याज कहते हैं, और आलू, ये तीनों की कीमतों के लिए हमेशा तबाही मची रहती, और जिस समय इसका उत्पादन होता है और जिस समय तक 4-5 महीने के बाद इसका रेट बहुत बढ़ जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने न सिर्फ जो पूरा का पूरा हमारा जो स्टोरेज की व्यवस्था है उसको आपने लाइनअप किया है, रेलवे को भी लाया है, सिविल एविएशन को भी लाया, और सबसे बड़ी बात है कि गांव में भी आपने स्टोरेज बनाने के लिए जो हमारा सेल्फ हेल्प वहां ग्रुप है उसको उतरा, और साधारण बात नहीं है। आज इस देश में जो आपने अपने बजट में कहा है 58 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब करीब करीब 6 करोड़ 60 लाख लोग हमारे जीविका से जुड़े हुए हैं, और बिहार में हमारे 9.5 लाख हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं,
और करीब करीब 1 करोड़ लोग पहुंचने जा रहे हैं। आज आप जान लीजिए ये साधारण उपलब्धि नहीं है। जो महिलाएं हमारे गांव में रहती थी आज बैंकों में जाती है, बैंक से डील करती है और पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, महिला एम्पावरमेंट उससे हुआ है, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खास कर करके आगे आने वाले समय में जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप है उनको संख्या बढ़ेगी और इससे हमारे देश को फायदा होगा। रेलवे में एक और अच्छा काम आपने क्या किया है, एक अच्छा काम यह भी आपने किया है कि पहली बार आपने जो पूरा का पूरा रेलवे है उसमें रेल मंत्री रामविलास बाबू भी रहे हैं, हैं भी, पूरा का पूरा डिपार्टमेंटलिज्म चलता था। ठीक कह रहे थे वो कि अगर कोई एक्सीडेंट होता था तो लोग पहले मेंबर पता करते थे कि भाई इसमें किसकी गलती है, इंजीनियरिंग का फेलियर है, सिग्नल का फेलियर है, ट्रैफिक का फेलियर है, इसी में लोग लगे रहते थे। लेकिन आपने जो एक पूरी की पूरी कार्रवाई की है इसमें पूरा का पूरा आज आप एक इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। इससे पूरा का पूरा क्या होगा, सेटअप में एकता आएगी और उससे जो हमारा रेलवे का जो नेटवर्क है वो और भी बढ़िया से आगे काम कर पाएगा। और रेलवे में खास करके जो आज की तारीख में आवश्यकता है कि जहां जहां हमारे जो पुराने बहुत प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स को एक बार जरूर देख लिया जाए जिसका आरओआर अच्छा है, 14-15 से ऊपर जिसका आरओआर है, रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर देंगे तो निश्चित रूप से उसे ट्रांसपोर्टेशन में भी फायदा होगा और हम लोग जो है हमारा जो ट्रैफिक पब्लिक का जो भी है वो भी बढ़ेगा। और इसमें मैं आपको चाहूंगा एक प्रोजेक्ट का नाम देना, वो खास करके जो हमारा पटना जो हमारा है और जो हमारा जो थर्ड लाइन जिसकी बनने की बात है शेखपुरा से नेवरा लाइन, उसमें आपको दनियावा से बिहार शरीफ तक उसका पूरा का पूरा शुरू हो गया, ट्रेन चल रही है, बाकी में काम बचा हुआ है, अगर उप कर देंगे तो आपको जो है एक थर्ड लाइन जो है पटना में मिल जाएगी आपको पटना के बाहर और उससे काफी फायदा हम लोगों को होने वाला है। और एक बात के लिए और वित्त मंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने जो हमारा हेरिटेज है और कल्चर के बारे में जो सोचा है उसके चलते आप एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज और कंजर्वेशन आप खोलने जा रहे हैं। और इससे जो है क्या होगा, देखिए हमारा बिहार का क्या है, बिहार में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है और हमारा पूरा का पूरा हेरिटेज है। अगर आप दुनिया का इतिहास देखेंगे बिहार का इतिहास उसमें खास स्थान रखता है। आप जानते हैं साइक्लोपियन वॉल है दुनिया में, या तो ग्रीस में है या हमारे बिहार के राजगीर में, जहां साइक्लोपियन वॉल उस जमाने में बड़े बड़े दीवारें जो है पूरा का पूरा करीब 27 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर बनाए गए। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू ने उसको यूनेस्को साइट के लिए लिखा है। और आप जान रहे हैं बिहार में जितने भी हमारे जगह हैं पूरा का पूरा जिसको हम प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, हमारे रामविलास बाबू बैठे हुए हैं, चेचर है, बहुत पुराना है, चिरांद है, प्री हिस्टोरिक साइट का है। अगर आप पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियड का देखिएगा, मगध पीरियड का देखिएगा, बहुत सारे साइट हैं। नालंदा एक एक यूनिवर्सिटी आप देखिए, नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है और एक तेल्हाड़ा में भी जो एक विश्वविद्यालय है वहां पर हमारे गए थे नोबेल लॉरिएट। और दुर्भाग्य से मैं शिक्षा मंत्री जी उनको केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि तेल्हाड़ा में खुदाई हुई थी, 4th यूनिवर्सिटी थी, लेकिन 5 साल से थोड़ा वो बंद है, उस पर देखना चाहिए। और मेरा अनुरोध होगा कि जो इंस्टीट्यूट आप खोलने जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट को आप बिहार में खोलिए और अगर जरूरत समझे तो नालंदा यूनिवर्सिटी जहां बना है उसके बगल में खोलिएगा तो आपको इससे फायदा होगा, क्योंकि वहां भी इस चीजों की पढ़ाई होगी और इससे इसको फायदा मिलेगा। और इससे जो है हमारे पूरे के पूरे देश में आज आप जानते हैं म्यूजियम में लोग जाते हैं ठीक से बता नहीं पाते, आर्कियोलॉजी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट से बहुत फायदा होगा, हमारे इतिहास हमारे देश का जो विरासत है सांस्कृतिक विरासत उसको ठीक से वहां बताया जा सकेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि भाई इंस्टीट्यूट बिहार में बनना चाहिए। दूसरा, आपने पहली बार आपको फिर बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस के बारे में पूरा का पूरा पुलिस पर भी आपने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, फॉरेंसिक साइंस पर भी एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, यह भी जरूरी है। आज पूरा का पूरा जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो बदल गया है, पुराना इन्वेस्टिगेशन अब नहीं है, आज की तारीख में जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है और इसके लिए आपने किया है खासकर फॉरेंसिक साइंस के लिए, इसके भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात हुई और वो बात क्या है, जो खास कर करके
जितने हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं और खास करके हमारा जिसको आप बोलते हैं आज की तारीख में जो हमारी ग्रामीण संस्थाएं हैं और जहां पर आज आप टेक्नोलॉजी ले जा रहे हैं पूरा का पूरा उसको डिजिटल कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है कि आज आप देखिए कि ग्रामीण इलाके में जितने भी हमारे चाहे पंचायत हो, हमारा PHC हो, पुलिस स्टेशन हो, आंगनबाड़ी सेंटर है, सबको आप जोड़ने जा रहे हैं और ऐसे नहीं जोड़ने जा रहे हैं, उसके लिए भारत नेट में आपने 6,000 करोड़ का व्यवस्था किया है। इसके लिए भी वित्त मंत्री जी आपको बधाई देते हैं क्योंकि आप जान लीजिए आगे आने वाला समय क्या है, पुराना समय नहीं है, आप आगे आने वाले समय क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात एक और आपने किया, इसके लिए भी ये बहुत अच्छी सोच है कि आपने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया है और पहली बार बजट में क्वांटम टेक्नोलॉजी का मिशन बना कर करके आपने उसमें 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे हमारे देश में पूरा का पूरा एक नया जो कहते हैं विस्टा, उसका पूरा का पूरा लोगों के लिए मिलेगा। और युवाओं के लिए कितना अच्छा काम किया, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने सेंट्रलाइज्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का फैसला किया। और आप देख लीजिए ग्रामीण बच्चे जो होते हैं उनकी क्या परेशानी होती है, उनको जाना होता है परीक्षा देने, उनके घर में पैसे नहीं होते, कहां रहना हो जानते नहीं, कौन रिश्तेदार है। और ये आपने जो व्यवस्था किया है कि ऑनलाइन और जितने भी ग्रुप सी के जो सेवाएं होंगी सबके लिए आप एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे और इसके आधार पर रिक्रूटमेंट करेंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही इसके साथ ही मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि ग्रुप बी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू को खत्म कर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और ग्रुप ए में भी मैंने कई बार इस बात को उठाया है कि वहां भी इंटरव्यू में मैक्सिमम मिनिमम का निर्धारण करें और पूरा का पूरा उसके इंटरव्यू के प्रोसीडिंग्स को आप वीडियो कराइए, जिससे बच्चों को यह ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी। साथ ही एक बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने किया था कि बच्चों को बता रहे थे कि परीक्षा के समय टेंशन में मत रहिए। आज जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देते हैं, जितने हमारे बच्चे हैं उनके मन में क्या चिंता रहती है, चिंता रहती है अटेम्प्ट्स की, खासकर कितने किनको, जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हैं जो प्रीमियर लेयर के ऊपर है, जो हमारे जनरल बच्चे हैं जिनका भी रिजर्वेशन मिला 10% जो उससे कवर नहीं हो रहे। तो मैंने एक बार पहले भी उठाया था, मैं फिर कर रहा हूं कि बच्चों में और खास करके कैंपस में किसी प्रकार का बच्चों में तनाव परीक्षा में बैठने के लिए ना हो, इसके लिए अटेम्प्ट्स की संख्या खत्म कर दी। बच्चों को जब इच्छा हो जो कॉम्पिटिशन देना चाहे उसको इस बात का एहसास ना हो कि चूंकि हम इस समाज में पैदा हुए साहब इसलिए हम परीक्षा नहीं दे रहे, चूंकि वो अटेम्प्ट लेगा किसी प्रकार के आरक्षण में उसकी कोई दखल नहीं हो। तो ये भी मैं चाहूंगा कि इसको लेने से एक पूरा का पूरा कैंपस में एक अच्छा माहौल बनेगा। चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं फिर से वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतना मैं जरूर उनको कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप चले हैं उस रास्ते पर चलिए। और हम लोगों का सपना क्या है कि हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना। और यह तभी संभव है जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपकी सोच में आशा होगी, आपको लगेगा कि भविष्य हिंदुस्तान का है, जो है तो हम लोग प्राप्त करेंगे।